पवन भैया से तो कम टैलेंटेड हम भी नहीं है। सर मनीष कश्यप जी हाँ, अब ये भी चुनाव लड़ेंगे। और सर मनीष कश्यप को आखिर लोग इतना पसंद क्यों कर रहे हैं, आइए ना सर हम और आप मिलकर जानते हैं इस वीडियो में। तो प्लीज इस वीडियो में बने रहें। सर हाल ही में ये चुनाव का माहौल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोग कंफ्यूज है कि किसको वोट देना है और किसको नहीं। यानी कि सर मनीष कश्यप जी के बारे में कोई नहीं जानता था कि वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हाल ही में 5 से 6 दिन पहले उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपने दर्शकों को और सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, बताते हैं, लाइव आते हैं कि भैया मैं भी आप लोगों के बीच आ रहा हूं और मैं भी चुनाव लड़ने वाला हूं। और ये बात सर तेजी से सोशल मीडिया पे फैलता है और जितने भी मनीष कश्यप जी को चाहने वाले होते हैं सारे लोग खुश होते हैं और जो ना चाहने वाले होते हैं वो विरोध करने लगते हैं। सर बात करें मनीष कश्यप जी आखिर चुनाव लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे, तो सर इनका कहना है कि मैं अपने क्षेत्र से ही चुनाव लड़ूं, जैसे पूर्वी चंपारण हो गया उधर ही कोनो साइड से मोतिहारी उतिहारी साइड से ये लड़ेंगे। लेकिन सर ये एक सोशल मीडिया पे इंटरव्यू देने के दौरान कुछ ऐसे बोलते हैं, पवन भैया से तो कम टैलेंटेड हम भी नहीं है। जिस शब्दों का मनीष कश्यप जी उपयोग किए हैं ये शब्दों से पता चल जाता है कि भाई ये एक नेता है या नेता बनने वाला है। क्योंकि सर आप अधिकतर देखे होंगे कि बहुत सारे नेता वादा करते हैं पूरा नहीं करते हैं, और अधिकतर ये जितने भी लीडर्स लोग हैं उसमें आप जाने होंगे ये सब एक दूसरे का कंपटीशन करते रहते हैं। जैसे फलाना था वो काम ही करवे नहीं किया तो मैं क्या करूं, यही मतलब एक दूसरे से कंपटीशन करना। इसी से आपको पता चल जाएगा कि भैया ये नेता है। और दोस्तों वहीं पे मनीष कश्यप जी पवन सिंह के साथ अपना कंपेयर कर रहे हैं। सर इनका कहना है कि हम कोनो पवन सिंह से कम थोड़ी न बानी, हम उनका से कम टैलेंटेड थोड़ी न बानी। तो सर यही शब्द जो है कहीं ना कहीं दर्शा देता है कि सर आप नेता है और ये शब्द यूज ना करना चाहिए किसी को भी। आप क्या हो आपको बताने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, बाकी सब समझदार है, समझ ही रहे हैं। और मनीष कश्यप जी को जो जितना भी लोग चाहते हैं उनको भी जिताएंगे। ये दोनों व्यक्ति को जनता से इतना ही उम्मीद है कि जनता उनको प्यार देगी, बाकी अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि भाई मनीष कश्यप और पवन सिंह एक ही एरिया से या एक ही जगह से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि पवन सिंह भी बिहार से लड़ेंगे और मनीष कश्यप जी भी बिहार से इलेक्शन लड़ेंगे, लड़ेंगे बिहार से ही लेकिन क्षेत्र अलग अलग हो सकता है। खैर ये वीडियो कैसा लगा प्लीज आगे तक शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं कोई अगले बड़ा वीडियो के साथ, तब तक के लिए कुछ आपके मनों में सवाल चल रहा है तो भैया नीचे कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके बताइएगा। तब तक के लिए मैं सोनू, आप सभी को नमस्कार।